हरे कृष्ण। सो कल हमने देखा भगवत गीता के 17वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अरे आहार, यज्ञ, तप, दान और वाचा, ये तीनों, ये पांचों प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित होते हैं और ये उसके हिसाब से हमें भी प्रभावित करती हैं। तो आगे के तीन श्लोकों में भगवान हमें आहार के बारे में बताएंगे कि आहार कौन सा सात्विक है, कौन सा आहार राजसिक है और कौन सा आहार तामसिक है। तो आज के श्लोक में भगवान हमें सात्विक आहार के बारे में बताते हैं, विच आहार और विच काइंड ऑफ फूड इंड्यूसेस सत्व इन अ पर्सन। कृष्णा सेज इन द 8th श्लोक, आयुः सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहारः सात्विक प्रियाः। फूड्स डियर टू दोज इन द मोड ऑफ गुडनेस इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, प्यूरिफाई वन्स एग्जिस्टेंस एंड गिव स्ट्रेंथ, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सैटिस्फैक्शन। सच फूड्स आर ज्यूसी, फैटी, होलसम एंड प्लीजिंग टू द हार्ट। तो हम देखते हैं कि सात्विक आहार क्या है। सात्विक आहार अर्थात वो कहते हैं रस्याहा, रस्य यानी दे आर टेस्टी, दे आर जूसी। सो बहुत ही रूखा सूखा आहार ये सात्विक नहीं कहते, जूसी, रस्याहा, स्निग्ध, स्निग्ध मीन्स चिपचिपे। सो यहाँ पे हम घी ये सारी चीजें आती हैं जो बाय डिफॉल्ट चिपचिपी होती है। सो मेजॉरिटी ऑफ दिस इज लाइक मिल्क प्रोसेस्ड फूड्स। हम स्वीट्स खाएंगे, स्वीट्स चिपचिपे होते हैं। सो स्निग्ध, स्थिर, होलसम ग्रेन्स, स्थिर स्थिरता देते हैं। सो दे आर होलसम ग्रीन्स एंड त्रिद्याहा, त्रिद्य यानी यहां भी बहुत अच्छा लगता है। सो दे आर वेरी नाइस टू टेस्ट। सो हम देखते हैं सात्विक आहार कैसा है जो रसपूर्ण हो, मिल्क ड्रिवन या स्वीट प्रोडक्ट्स, स्निग्ध, स्थिर, सीरियल्स, पल्सेस, ग्रेन्स, अनाज, ये सब, त्रिद्याहा और उससे बने हुए प्रिपरेशंस जो टेस्टी होंगे। इससे क्या होगा अगर हम ऐसे प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं? सो व्हाट डज इट डू, द इफेक्ट ऑफ सच काइंड ऑफ भोजन इज आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख एंड प्रीति इन विवर्धना। अगर ऐसा आहार लेंगे, सात्विक आहार लेंगे जो कि जूसी है, इट इज स्निग्ध, रस्य है, स्निग्ध है, स्थिर है। So, इससे ये, इसका मतलब, सात्विक आहार का मतलब ये नहीं है कि बिना नमक का, बिना मिर्ची का कुछ खाओ और उसे बोल दो भाई सात्विक है, पर रोज दाल ही खाना है, रोज चावल ही खाना है, बिना नमक के, बिना टेस्ट के, नहीं। सात्विक इज हृदय, इट इज वेरी नाइस टू टेस्ट। सो सात्विकता का और टेस्ट का कोई मेल जोल नहीं है। Distasteful anna does not mean it is sattvic. So sattvic ahar क्या होगा? आयु वर्धन करेगा, सत्व, सत्व संशुद्धि, it will purify our consciousness, हमें bodily strength देगा, लंबे समय तक हमें आरोग्य देगा और जीवों के बीच में प्रीति का विवर्धन करेगा, क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति और तमोगुणी व्यक्ति so much driven by eye and mind, यही तो हमारा पिछला 16वां अध्याय था, that it becomes very difficult for him to bond with anyone else. वो अपने अपने में इतना है, उसे eye and mind का ही घेरा देखा है। So प्रीति can exist between people only when one goes beyond the concept of eye and mind. सात्विक आहार ये हमें सात्विक अंतःकरण या सात्विक मनस्थिति देगा। सात्विक मनस्थिति में व्यक्ति एक दूसरे से प्रीति करेंगे। हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम